चलिए क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज अ कोर ऑफ हाइट 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 5.4 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोडिंग। द रैम ऑफ हाइड्रोलिक जैक हैज क्रॉस सेक्शन ऑफ 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डायल गेज इज 3 मेगा पास्कल। वॉट इज द पॉइंट लोड स्ट्रेंथ। यहाँ पे फोकस करने वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो यह है पॉइंट लोड स्ट्रेंथ। तो पॉइंट लोड स्ट्रेंथ का मतलब है कि पॉइंट लोड इंडेक्स निकालने के बाद हमें उससे पॉइंट लोड स्ट्रेंथ भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक स्पेसिमेन है जिसका हाइट जो दिया हुआ है वो है 10 सेंटीमीटर, 5.4 इसकी डायमीटर है, ठीक है, और इसको हम जब स्ट्रेस देते हैं तो ये स्ट्रेस जो है वो 3 मेगा पास्कल है, ठीक है, और ये रैम का जो साइज है, रैम मतलब जिससे हम स्ट्रेंथ दे रहे हैं स्ट्रेस, इस एरिया का, इस पॉइंट का जो एरिया है वो दिया हुआ है। तो एरिया जो हमें दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम इसको सेंटीमीटर में ही रहने देते हैं, चेंज नहीं करेंगे, और स्ट्रेस जो है वो हो गया 3 मेगा पास्कल, ठीक है, और ये तो लेंथ है ही और ब्रेथ है ही। तो पॉइंट लोड स्ट्रेंथ इंडेक्स निकालते हैं पहले, PSI, जिसका फॉर्मूला होता है फोर्स यानी कि लोड बटे डी स्क्वायर, ठीक है। तो फोर्स हमें निकालना पड़ेगा, तो फोर्स यहाँ पे निकाल लेते हैं। फोर्स जो होगा वो स्ट्रेस इंटू एरिया होगा। तो स्ट्रेस दिया हुआ है 3 इंटू 12.5 इंटू 10^-4, ये हो जाएगा न्यूटन में, 37.5 इंटू 10^-4 न्यूटन, ठीक है, और डायमीटर जो दिया हुआ है वो है 5.4। तो PSI हम निकाल लेते हैं, PSI जो हो जाएगा 37.5 इंटू 10^-4 डिवाइडेड बाय 5.4 इंटू 10^-2 का होल स्क्वायर। तो ये 2 है, ये 4 है, ये कट जाएगा, 37.5 डिवाइडेड बाय 5.4 का होल स्क्वायर, ये करीब करीब आएगा 1.286 मेगा पास्कल, ठीक है। तो यहाँ से हमें स्ट्रेंथ जो निकालना है वो कितना हो जाएगा 24 इंटू PSI, जो कि आ जाएगा करीब 30 मेगा पास्कल के अराउंड, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर वीडियो को आप लाइक नहीं करते हैं तो फिर अगली अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा बताइए। तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।